अच्छे कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए सभी को जय हिंद। यहाँ पर देखते हैं टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज में देखेंगे। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले नंबर आपको बताना है जिसका अनुभव। देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी ये ला रहे हैं, और इसमें लास्ट में सभी लोग जरूर बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए जवाब देना है। जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? बताइए राइट आंसर, बताइए क्या होगा। देखिए पहले नंबर का कह रहे हैं यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं पहले नंबर का सी नंबर होगा, है ना। और भी लोग जवाब दीजिए यहाँ पर क्या होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का बताया जा रहा है सी नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, है ना। पहले नंबर का सी जिनका आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है, अनुभूत होता है। क्या होता है? अनुभूत होता है, याद रखिएगा। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका अनुभव किया गया होता है अनुभूत होता है, अनुभवी होता है अनुभव रखने वाला, अनुभाव्य होता है अनुभव के योग्य। जो अनुभव के योग्य होगा उसे हम अनुभाव्य बोलेंगे, अनुभव रखने वाला जिसका अनुभव होगा वो अनुभवी होता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए संकीर्ण का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का देखिए कमेंट करना है, संकीर्ण का विलोम यहाँ पर क्या होगा? हाँ चलिए पहले का देखिए, सभी का जवाब सही आया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है संकीर्ण का विलोम बताया जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर विस्तीर्ण होगा, बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी लोग यहाँ पर प्रकीर्ण मार रहे हैं, है ना, काफ़ी लोग प्रकीर्ण मार रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। संकीर्ण का आपका यहाँ पर विस्तीर्ण होगा, विस्तार से यानी बड़ा क्षेत्र, संकीर्ण यानी छोटा, तो यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका है। गुरु जी कमेंट फुल क्यों नहीं जा रहा है? कमेंट फुल नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत है? कमेंट आ नहीं रहा क्या? कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? देख लीजिए, है ना। अगला प्रश्न बताइए, देखिए यहाँ पर अनुत्तीर्ण का विलोम होता है उत्तीर्ण होता है, प्रकीर्ण का एकत्रित होता है। अभी देखिए काफ़ी लोग प्रकीर्ण बता रहे थे, तो प्रकीर्ण का जब पूछेगा ना, तो प्रकीर्ण का आपका एकत्रित होता है, असंकुचित का आपका प्रशंसित होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए, मैं अपनी कार ले जा रहा हूँ उक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, है ना। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए, तीन नंबर का जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ मैं अपनी कार ले जा रहा हूँ, काफ़ी लोगों का जवाब देखिए यहाँ पर तीन का भी बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तीन नंबर के यहाँ पर भी जिनका भी जवाब आ रहा है निजवाचक, है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मैं अपनी कार यहाँ पर ले जा रहा हूँ, बिल्कुल सही है, तीन नंबर का भी होगा। अब देखिए ये पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक क्या होता है, इनको एक बार थोड़ा समझ लेंगे, ताकि एग्जाम में इससे प्रश्न बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैं अपनी कार ले जा रहा हूँ, उक्त वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, वक्ता ने स्वयं के लिए अपना सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग किया है। निजवाचक होता क्या? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, अपना, स्वयं, खुद आदि शब्द आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका, हमने कहा मैंने अपने स्वास्थ्य का सदा ख्याल रखा, है ना, तो अपने आ गया ना, तो ये आपका कैसा हो गया? निजवाचक हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर पुरुषवाचक की बात करेंगे, किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर अगर किया जाता है तो उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपने देखा होगा मैं, आप, तू, तुम, वे, ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक में क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। जो और सो, ये अगर शब्द मिलते हैं देखने को तो आप समझ जाइएगा संबंधवाचक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है तुमने जो कार मांगी थी वो वही, ये वही कार है, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। निश्चयवाचक में क्या होता है? जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि ये संकेत करता है, इसीलिए हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो प्रश्न में अगर पूछेगा संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तो निश्चयवाचक को ही कहते हैं, यह वह शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अगला प्रश्न बताइए, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता वाक्य में संज्ञा बताइए। क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता वाक्य में संज्ञा बताइए यहाँ पर क्या होगा? बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं समूहवाचक, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है तत् प्लस अर्थ बराबर तदर्थ लिखा हुआ है ना, इसका संधि विच्छेद होता ही है। पूछा गया है निहित संधि का प्रकार बताइए कौन सी संधि है?
क्वेश्चन नंबर देखिए चार में संधि का प्रकार पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए चार नंबर का कह रहे हैं, काफी लोग जवाब दे रहे हैं विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग कहाँ दिख रहा है? तुक्का उक्का मत मारिए, चार नंबर का सी नंबर कैसे दिख गया? विसर्ग तो आप सुनो नहीं होना चाहिए, विसर्ग कैसे हो जाएगा? यहाँ पर व्यंजन संधि होगा, हो सकता है गलती से टाइप हो गया होगा, है ना, विसर्ग तो लगा नहीं था। यहाँ पर व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, है ना, कई बार क्या होता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है लिखने पे। चलो यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर, देखिए छः नंबर का बताना है। ए आए और ओ आओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आए आए आओ आओ हो जाए तो वहाँ पर संधि कौन सी मिलती है? भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर आंसर होगा अयादि संधि। कौन संधि है? अयादि संधि है। हाँ ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ, अयादि स्वर संधि के पांच भेद होते हैं ना, उसी में अयादि आता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए यहाँ पर बताइए साग रोमी में, यहाँ पर बताइए कौन संधि है ना, सागर रोमरी लिखा हुआ है, इसमें बताना है कौन सी संधि है, और यहाँ पर बता रहे हैं सेवन नंबर का सी गुड़ संधि है ना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, मुख बाल रवि सम लाल पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? मुख बाल रवि सम लाल पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर आठ नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और कह रहे हैं उपमा अलंकार होगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आप देख सकते हैं जहाँ दो वस्तुओं में समान धर्म के आधार पर समानता बताई जाती है उन्हें हम उपमा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में सा सम और सी ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, है ना, सा सम सी, तो समझ जाइएगा वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए, यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताइए यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए नाइन नंबर का आपको जवाब देना है। पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है इस राह पर पग पग में कोट कांटे मिलेंगे, और दूसरा है इस कार्य में देर होना स्वाभाविक था, है ना, बताइए चारों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? नौ नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं इस कार्य में देर होना स्वाभाविक था, है ना, ये वाला बता रहे हैं शुद्ध होगा जो कि बिल्कुल सही है। और जो पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है इस राह पर पग पग में कांटे मिलेंगे, ये आपका क्या है? गलत है। यहाँ होना चाहिए था इस राह के पग पग, है ना, इस राह के पग पग में कांटे मिलेंगे, है ना, यहाँ पर होना चाहिए था, पर नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर जो दूसरा लिखा हुआ है इस कार्य में देर होना स्वाभाविक था, ये सही था आपका। इस परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है, तो यहाँ पर अनाधिकार की जगह अनधिकार होना चाहिए, बड़ा ना नहीं होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए, ना और धामे भी पीछे से मतलब लगेगी छोटी की, तो ये वाला भी गलत था आपका। मैंने तुम्हारे को बोला था कि जल्दी आओ, ये तो आपको दिख ही गया होगा, मैंने तुमको बोला था यहाँ होना चाहिए, तुम्हारे को नहीं तुमको बोला था, तो ये सारी आपकी अशुद्धियाँ थी, है ना। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंने तुमको बोला था जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे, ये वाला आपका शुद्ध होगा। और अनधिकार होता है यहाँ पर जो आपका अनधिकार लिखा था, यहाँ अनधिकार ये होना चाहिए था तो शुद्ध हो जाता, और राह के पग पग में कांटे मिलेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, इला प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? इला कई बार करा चुके हैं, जहर इला, है ना, जहर प्लस इला बराबर क्या होता है? जहरीला होता है। अगला प्रश्न बताइए, विरल का विलोम इनमें से कौन सा होगा? विरल का विलोम, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर में आपको जवाब देना है। विरल का विलोम यहाँ पर क्या होगा? और विरल का विलोम यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं सुलभ होगा। 11 नंबर का यहाँ पर जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, बहुत लोग गरल मार रहे हैं, गरल नहीं होगा, यहाँ पे आपका सुलभ होता है, ठीक है ना। विरल का विलोम क्या होता है? सुलभ होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लुप्त का बताइए विलोम यहाँ पर क्या होगा? लुप्त का, लुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ, है ना, जो छिप गया हो, छिपा हुआ होता है, तो बताइए इसका विलोम यहाँ पर क्या होगा? 12 नंबर का, और 12 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं व्यक्त, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा, 12 नंबर का सी जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है, है ना। व्यक्त का मतलब होता है जो प्रकट किया गया हो या सामने लाया गया हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं है? अब देखिए चार आपके दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है। छत और विछत, छत विछत ये क्या है? छत और विछत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना, यहाँ पर विलोम नहीं होगा। छत का विलोम क्या होता है? अछत होता है। छत का विलोम यहाँ पर क्या होता है? अछत होता है, ये अगर होता तो सही हो जाता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आद्र शब्द का बताइए उचित विलोम यहाँ पर क्या होगा? आद्र, देखिए आद्र का मतलब होता है गीला, ध्यान दीजिएगा, आद्र का मतलब होता है गीला, तो
गीला का विलोम यहाँ पर क्या बताएंगे, गीला का मतलब होता है सूखा यानी शुष्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये वाला सूखा नहीं, ये लगाएंगे आर्द्र यानी शुष्क है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। चलिए आर्द्र का विलोम याद रखिएगा, आर्द्र का शुष्क होता है। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए विकल्पों में से सही विलोम युग्म बताइए, इनमें से कौन सा दिया गया है। सही विलोम युग्म आपको बताना है, तो देखिए सौम में शीतल लिखा हुआ, प्रकाश उजाला, तो ये तो समानार्थी है आपका, है ना। यहाँ पर बोला गया विलोम बताइए, तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा हलाहल और अमृत। हलाहल अमृत जिसका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, दिए गए ऑप्शन है आपके चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा नहीं है। देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, 16 नंबर कह रहे हैं डी नंबर होगा, है ना। चलिए काफी लोगों का जवाब डी आ रहा है, क्या बात है। देखिए मछली का जो पर्यायवाची होता है, मीन होता है, सफरी होता है, मकर भी होता है, मकर भी होता है, हमने बोला है कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका जो मीनाक्षी लिखा हुआ है ना, ये वाला सही है, मीनाक्षी नहीं होता है। मीनाक्षी के पर्यायवाची आपके हैं कई सारे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर आपका जो ये मीन, सफरी और मकर लिखा है ना, ये मछली के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, मीन होता है, मत्स्य होता है, झक होता है, झस होता है, जल जीवन होता है, सफरी होता है, मकर भी होता है। लेकिन मीनाक्षी की जब बात करेंगे, चंडिका, भवानी, जगदम्बा, कल्याणी, महागौरी, कालिका, सुभद्रा, अम्बा, अंबिका, शैलपुत्री, ये सब आपके मीनाक्षी के पर्यायवाची आपके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर बताइए इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसे पहचानिए। इच्छा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का जवाब देना है। तो इच्छा का लिप्सा होता है, कामना होता है, स्पृहा भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो वैभव ही लिखा है ना, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का देखिए यहाँ पर चयन करना है। दुशाला लिखा हुआ है, संस्कार, ये तो गलती लिखा हुआ है, प्रतिपादन भी गलत लिखा हुआ है, दुशाला भी गलत लिखा हुआ है, तो जब तीनों गलत है तो कन्फर्म हो गया कि हर धर्मिता ही सही लिखा होगा, पहला ही विकल्प आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं, अब यहाँ पर बताइए कि पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है, यानी कुल मिला के गुलशन का आपको बताना है, तीन हैं और एक नहीं है, तो आप कहेंगे 19 नंबर में आपके यहाँ पर जो धवल लिखा है ना, ये गुलशन यानी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। वाटिका, उपवन और बगीचा, ये सब आपके गुलशन के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निरंकुश का बताइए पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, निरंकुश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, 20 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 20 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, उदंड होता है, आवारा होता है ना, उच्च संकल भी होता है, लेकिन ये जो प्रचंड लिखा है ना, ये आपका नहीं होता है, बाकी सब है आपके, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए निम्न में से चैतन्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा है। चलिए चैतन्य का देखिए यहाँ पर पर्यायवाची बताना है क्या होगा, और यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है, 21 नंबर का जवाब आ चुका है, काफी लोगों का जवाब आ रहा है, कह रहे हैं सर चैतन्य का जो पर्यायवाची शब्द आपका होता है ना, वो जीव होता है, क्या होता है, जीव होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, आंख दिखाना इस मुहावरे का सही क्या मतलब होता है। आंख दिखाना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है क्रोध से देखना, क्या होता है, क्रोध से देखना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला यहाँ पर विकल्प पहचानिए। रीत लिखा हुआ है, अब आपको बताना है कि रीत का यहाँ पर बहुवचन वाला यहाँ पर विकल्प क्या होगा, तो बताइए रीत का यहाँ पर बहुवचन में कैसे लिखेंगे। हाँ रीत का कह रहे हैं, 23 का कह रहे हैं रीतियाँ लिखते हैं ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है, है ना, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन लिखा है ना, सतलुज है आपका, ग्वाला है, तो जो ग्वाला है ना, ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, 24 का बी है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होता है, 25 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 25 नंबर का यहाँ पर अगर आपका जवाब अगर आ रहा है उल्लू आ रहा है, तो समझ जाइए बिल्कुल राइट आंसर आपका है उल्लू, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए षट पद का यहाँ पर है ना पर्यायवाची शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा।
षटपद का यहाँ पर पर्यायवाची बताइए क्या होगा। ऑप्शन है तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है और केकड़ा है। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, कह रहे हैं बी नंबर होगा, भ्रमर होता है ना। बिल्कुल सही बात है, भ्रमर है, बिल्कुल बात सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आपको देखिए बताना है, अष्टादश शब्द का यहाँ पर तद्भव क्या होगा। अष्टादश शब्द का यहाँ पर तद्भव क्या होगा, अष्टादश के नाम से ही पता चलता है आपको, अष्टादश यानी 18 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अज्ञानी का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा। अज्ञानी, तो अज्ञानी का क्या होता है, अज्ञानी का तद्भव रूप बताना है। अज्ञानी मतलब अनजान है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है ना। दिए गए चार विकल्प हैं आपको और इसमें बताना है तत्सम शब्द यहाँ पर आपका कौन सा होगा। अंधा, आधा, अमृत, आंसू, इस तरीके दिए गए हैं और आपको बताना है तत्सम यहाँ पर क्या होगा। 29 कह रहे हैं सी नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका है। महांतर शब्द यहाँ पर बताइए विशेषण की किस अवस्था का बोधक है। महांतर जो शब्द है ये विशेषण की किस अवस्था का बोधक है, और महांतर जो आपका लिखा है ना ये आपका है उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूँ, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। क्या मैं यह पुस्तक खरीद लूँ, यह वाक्य जो है किस विशेषण का उदाहरण है आपको बताना है। 31 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और अगर आपका जवाब आ रहा है सार्वनामिक विशेषण तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर डी नंबर आपका सही है। 31 का डी जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, श्याम बहुत तेज बोलता है वाक्य में कौन सी क्रिया है। श्याम बहुत तेज बोलता है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो याद रखिएगा श्याम बहुत तेज बोलता है इसका मतलब ये आपका अकर्मक क्रिया के बारे में बता रहा है। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर बी के साथ। सीता खाना खाकर खेलने गई वाक्य में कौन सी क्रिया है। सीता खाना खाकर खेलने गई वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राइट आंसर बताया जा रहा है, सीता खाना खाकर खेलने गई, यहाँ पर आपकी जो क्रिया होगी पूर्वकालिक क्रिया होगी, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, 34 नंबर लिखा हुआ, छी छी इतनी गंदगी में कौन सा अव्यय होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर विसर्ग आपको दिख गया है, और जब विसर्ग दिख जाए समझ जाइए कौन सा होगा, विस्म्यादि बोधक अव्यय होगा, तो आप यहीं से भी पता कर सकते थे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना, निधड़क में समास यहाँ पर कौन सा होगा। अब निधड़क में समास बताना है तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। निधड़क में अगर आपका समास, अगर आपका जवाब अगर आ रहा है अव्यय भाव समास, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, बहुव्रीहि समास के यहाँ पर बताइए उदाहरण इनमें से कौन सा है। चार विकल्प हैं आपके और आपको बताना है बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, 36 नंबर के यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए। काफी लोगों का जवाब आ गया, कह रहे हैं 36 नंबर के यहाँ पर, कह रहे हैं बी नंबर, 36 का बी नहीं है, 36 का आपका ए नंबर सही है। पंकज और दत्तधन ये किसके उदाहरण है, ये आपके बहुव्रीहि समास के। बहुव्रीहि समास जानते ही होंगे, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राकेश यहाँ पर बताइए रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा या किस वाक्य का उदाहरण है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा है ना, दिनेश को डंडे से मारा ये किस वाक्य का उदाहरण है, आपको बताना है 37 आंसर क्या होना चाहिए। और 37 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कर्मवाच, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अब गलती से यहाँ पर रोहन लिख के कर्म कर्त वाला मत लगा दीजिए, नहीं गलत हो जाए, यहाँ पर को लगा है ना, को वाले हमेशा कर्मवाच में ही आते हैं, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लगेगा रोहन ने तो आ गया कर्ता, सोचे कर्तवाच है, मोस्टली वो लोग मार भी देते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको बहुत ही सावधानी से देखना है, जहाँ को वाला शब्द लगाओ जिस नाम के साथ, वो कर्मवाच्य होता है, ठीक है ना, तो कर्मवाच्य लगाएंगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर गलत होगा चलेगा, बट एग्जाम में आपको गलत नहीं करके आना है। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है ना, अशुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, ये तो सही है। हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए, ये भी सही है। मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम ये काम कर लोगे। अब उपेक्षा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था अपेक्षा, है ना, उपेक्षा और अपेक्षा में अंतर होता है। तो यहाँ पर अगर अपेक्षा लिखा होता तो हम ये कह देते हमारा सही है, उपेक्षा लिखने से इसको हम बोल देंगे गलत है और ये पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर आपको यहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द यहाँ पर बताइए कटक और कंटक का क्या अर्थ होता है। कटक और कंटक का अर्थ आपको बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो देखिए कटक क्या होता है और कंटक क्या होता है। कंटक से देखिए आपको याद आ रहा होगा कंटक क्या होता है, कंटक आपका एक तरीके से कांटा होता है, क्या होता है कांटा, और कांटा सिर्फ इसी विकल्प में दिया गया है,
तो बिना किसी देरी के आपको विकल्प नंबर डी वाला आपको टिक कर देना है। यहां पर बताइए समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द यहां पर प्रधान और प्रदान। अब देखिए प्रधान क्या होता है, प्रदान क्या होता है, तो प्रदान का मतलब आप जनरली जानते हैं किसी चीज को देना, हमने ये चीज प्रदान की, तो प्रदान का मतलब यहां पर आपका देने से होगा, और प्रधान का मतलब होता है मुख्य, है ना, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, यानी आंसर आपके यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। अब देखिए महाप्राण अल्प प्राण हमने बहुत बार बताया है आपको, अल्प प्राण में क्या होता है बताइए, अल्प प्राण में पहला तीसरा और पांचवा होता है, ये अल्प प्राण में होता है, ठीक है ना, का से लेकर जो वर्ग होते हैं पा वर्ग चा वर्ग टा वर्ग, है ना, उसमें जो पहला तीसरा आपका होता है वर्ण वो आपका क्या होता है महाप्राण होता है, याद रखिएगा ये आपका अल्प प्राण था। अब महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा होता है, जैसे मान लीजिए का वाली लाइन चलेंगे तो का के बाद खा, खा वाला जो आएगा ना खा, ये आपका महाप्राण में आएगा, ठीक है ना, फिर गा के बाद फिर घा आएगा, तो घा भी वो आपका हो गया, यानी दूसरा चौथा वाला आपका महाप्राण होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना खा आया है, तो कह दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, 13524 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बताइए कौन सा वर्ण अघोष है ना, अघोष में देखिए क्या होता है, अघोष में होता है पहला और दूसरा, पहला दूसरा अघोष में जाता है। अगर हम सघोष की बात करते हैं, अगर हम सघोष की बात करते हैं, सघोष को ही हम क्या कहते हैं, अघोष, सघोष होता है ना, इसी को हम घोष भी कहते हैं, सघोष कहिए घोष कहिए, इसमें क्या होता है तीसरा चौथा पांचवा आता है, यानी लगातार पहला दूसरा अक्षर जो आपका आएगा ना का वर्ग में आपका वर्ण में, तो वो आपका होता है आपका अघोष होता है। अब देख लीजिए कौन कौन सा, आप देखिए पा फा भा भा मा होता है ना, तो यहाँ पर पा आपको दिख गया तो बस मार दीजिए इसी को, पहला दूसरा आपका होता है सिर्फ आपका ये अघोष में होता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, लोग कसरत के शौकीन है वाक्य का भेद कौन सा है, यहाँ पर बताइए, लोग कसरत के शौकीन है ना, ये कैसा है, इसमें एक ही क्रिया है, सिंपल सा आपको दिख ही रहा है, सरल वाक्य है आपका। अगला प्रश्न बताइए, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य करता है, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है, ये करता है आपका स्थायी प्रलेख काम करता है, स्थायी प्रलेख, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है, 45 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 45 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा पत्र के आरंभ में, पत्र के आरंभ में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। ए बताइए स्वर कैसा है, ए जो है किस में आता है, अब देखिए ए वाला जो आप बात करेंगे ना 46 नंबर, तो ए आपका किस में आता है बताइए, आ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है, आई बनता है ना, और ये क्या होता है संयुक्त स्वर होता है, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका देखिए। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए हस्त स्वर में आपके छोटा छोटी छोटा उ और ऋषि आते हैं, चार ही आपके आते हैं, है ना, ये संयुक्त स्वर में आता है आपका ए आई ओ औ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। पैंतालीस में क्या हस्ताक्षर लिखा जाता है, तो उसको दाई ओर लिखते हैं, टिप्पणी लेखन वाला था ना प्रश्न आपका, ये टिप्पणी लेखन में बोले गया था उस अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करते हैं, जो आप अधिकारी जो होते हैं हस्ताक्षर करेंगे ना, तो लेफ्ट करेंगे पेज में कि राइट जो आपका लिखा होगा टिप्पणी लेखन में, तो कहाँ करते हैं वो राइट साइड करते हैं आपका, बस इसमें क्या समझाना है, हस्ताक्षर की बात है और कुछ नहीं था। चलो यहाँ पर बताइए इनमें से स्वर कौन सा नहीं है, 47 बताइए इनमें से स्वर कौन सा नहीं है, अगर हम स्वर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सिंपल से जवाब है, यहाँ पर खा जो होता है ना व्यंजन में आएगा, स्वर में थोड़ा होता है। अगला प्रश्न बताइए रा कैसा व्यंजन है, अब देखिए रा कितना आसान है, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका लगा देना है। बताइए नौकर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, अच्छा 45 नंबर में रुकिए एक मिनट, इसका आंसर हम क्या बता गए, यहाँ पे आंसर आपका दाईं ओर नहीं बताया था क्या, हो सकता है कुछ गलत हो गया होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे, इसका आंसर पहला ही है आपका, ठीक है ना, ए नंबर है, क्या हमने कोई और ऑप्शन बता दिया था, हमें याद नहीं आ रहा इसमें हमने कौन सा विकल्प बताया था, 45 नंबर में क्या बताया था आपको याद होगा तो बताइए। अच्छा 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 45 के डी, अच्छा वो मुँह से निकल आया होगा, कई बार क्या होता है ना कि पढ़ाते समय थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो कभी कभी मुँह से बोलते सही लेकिन निकल आता है गलत, तो ये बाकी ए नंबर था उसका, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं है।
चलो यहाँ पर बताइए नौकर का, बताइए पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, नौकर का बताइए पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, नौकर का आपका बताना है। और अच्छा, डी बोल दिए थे, चलो हमें याद ही नहीं। देखो मतलब अभी क्या ना कि हम थोड़ा भी थोड़ा बाहर से आए, बहुत ही स्पीड से आए थे, क्लास का लेट हो रहे थे, तो कई बार क्या होता है थोड़ा दिमाग में चीज़ें हो जाती हैं, है ना। बाकी कोई बात नहीं, बाकी आंसर तो हमें मालूम था उसका ए ही है, पता नहीं कैसे हमने डी बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, हमें खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि हमने डी बोल दिया, बताओ हमें खुद ही बिलीव अभी भी नहीं हो रहा है कि हमने, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो झूठ तो बोल नहीं रहे होंगे, इसका हमने डी बताया होगा, लेकिन हमें अभी भी होश नहीं है कि हमने डी नंबर लगाया है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए नौकर का बताइए पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, और नौकर का होता है अनुचर होता है, क्या होता है अनुचर। हाँ गलती से बोल गए होंगे, बाकी आंसर तो हमें गलत बताने में क्या मिलेगा, है ना। तो बाद में तो दोबारा हमने सही बताया, अगर गलत बताए होते तो दोबारा भी तो गलत बताते, तो ये तो मानवीय भूल है, आप लोग समझते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे हो जाता है मिस्टेक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कबूतर का बताइए पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताइए क्या होगा, कबूतर का। तो कबूतर की अगर हम बात करेंगे, पर्यायवाची की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा बताइए। है ना, चलो कोई बात नहीं, है ना। बताइए कबूतर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, कबूतर का आपका होगा पारावत, बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका है, पारावत यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं कबूतर का पारावत है, रक्त लोचन है, हारित होता है, आकिंचन होता है, गरीब होता है, निर्धन होता है, दरिद्र होता है ना, कोपल के आपके किजले नव पल्लव होते हैं, उलूक के कौशिक खूसट और लक्ष्मीवान होते हैं, इस तरीके का है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, अवधी जो बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। 51 नंबर से आपकी स्टार्ट है, और 51 नंबर के यहाँ पर देखिए काफी लोगों का जवाब आ रहा है अर्ध माघदी, है ना, जिनका भी अर्ध माघदी आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा, अर्ध माघदी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अर्ध माघदी जिनका भी जवाब है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, बहुत लोग यहाँ पे आंसर सी नंबर मार रहे हैं, क्या बात है ना। सौर सेनी दोस्तों यहाँ पर अगर पूछता आपसे अगर, है ना, पश्चिमी हिंदी के अंदर का जो पांच आपकी बोलियां है ना, खड़ी बोली है, कौरवी है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब आपकी सौर सेनी होती है अपभ्रंश में, ठीक है ना। अर्ध माघदी में आपका जो होगा पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां आती हैं, कौन कौन सी हैं, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी, ये अर्ध माघदी अपभ्रंश की हैं, याद रखिएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पांच बोलियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके रत्न, मोती, नकल और बचपन, बताइए यहाँ पर 52 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। और 52 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं नकल, नकल आपका जो है ये आपका पुल्लिंग नहीं है, बाकी आपके रत्न, मोती, बचपन सब आपके पुल्लिंग है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, तो काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे थे अलग अलग, और काफ़ी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अब ऐसे अल्प प्राण की बात करेंगे तो आपके 20 हैं, है ना, 20 आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर 20 ऑप्शन नहीं है, और साथ में ये भी याद होना चाहिए कि जितने भी आपके स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं आपके, 11 स्वर होते हैं, ये भी आपके अल्प प्राण में ही में काउंट किए जाते हैं, तो 20 और 11 कितने हो गए, टोटल आपके 31 हो गए, है ना। 31 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, 31 वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, है ना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए 53 नंबर, काफ़ी लोग यहाँ पे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर आपका ए होगा। अगर यहाँ पे अगर 20 ऑप्शन दिया होता तो फिर 31 नहीं दिया होता, ठीक है ना, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, देखिए अब आपका अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पाँचवा होता है, महाप्राण में दूसरा, चौथा आता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला का वर्ग हो गया, तीसरा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया। अब यहाँ पर जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढा, तो ड वाला तो इसमें आ जाएगा, ढा वाला तो महाप्राण में चला जाएगा, ता दा ना पा फा वा, ये टोटल कितने हो गए। और अंतस्थ व्यंजन भी 11 अलावा आते हैं, ये भी अल्प प्राण ही होते हैं, और वर्णमाला के जो 11 स्वर होते हैं ये भी आते हैं, टोटल आपके 31 होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोमोसाइल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है, डोमोसाइल का मतलब होता है निवास यानी अधिवास, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण है,
देखिए कर्म धारय समास का उदाहरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है श्याम सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका डी नंबर होगा 55 नंबर का। यहाँ पर कर्म धारय समास में आपके यहाँ पर क्या होगा, श्याम सुंदर आपका होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, ये सा लिखा हुआ है, सा का उच्चारण स्थान बताइए कहाँ पर आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए सा का उच्चारण स्थान आपको बताना है, ये कहाँ पर आएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा। हाँ मूर्धा और मूर्धन्य में बता रहे हैं, ठीक है ना, मूर्धन्य में आता है, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका होगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही आंसर है, मूर्धन्य में आपका कौन कौन सा आता है, सा ये वाला हो गया, और टा वर्ग तो आपका आता ही है ना, टा वर्ग भी आता है, साथ में रा भी इसमें आता है, और ऋषि वाला री भी आता है, ठीक है ना, ये सब आपके मूर्धन्य में आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, 57 नंबर का देखिए कमेंट करना है ना। नेटवर्क देखिए यहाँ पर समस्या बताई जा रही है, नेटवर्क की समस्या देख लीजिए क्या सभी को हो रही है ना, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अधिसूचना का जो प्रयोग है नहीं किया जाता है बताइए, तो देखिए अधिसूचना का प्रयोग जो होता है कहाँ पे किया जाता है, देखिए राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति हेतु तो किया जाता है, ठीक है ना, सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना हेतु तो इसमें भी करेंगे, शक्तियों के सौंपे जाने घोषणा हेतु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी लिखा है ना, सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों की सूचना हेतु इसका प्रयोग नहीं करते हैं। 57 नंबर के यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, ठीक है ना, बी नंबर यहाँ पे सही है। हाँ कह रहे हैं मेरे में ही दिक्कत है, तो आपकी दिक्कत है तो आप इसको देखिए क्या दिक्कत है ना, अगर हमारी तरफ से होता तो हम इसको जरूर सही करते। संचारी भाव को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है बताइए, संचारी भाव को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ, ए नंबर यहाँ पर देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, अघोष, अघोष वर्ण बताइए यहाँ पर कौन सा है, अघोष और सघोष हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है ना, पहला दूसरा आपका क्या होता है, अघोष में आता है, सघोष या घोष में तीसरा चौथा पांचवा आता है ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए अघोष में जो आपके घोष में व्यंजन होते हैं ना, तीनों सा और हा, तो तीनों सा तो आपके अघोष में आते हैं, तीनों सा जो आपके होते हैं, एक ये वाला सा हो गया, एक ये वाला सा हो गया, और कौन सा होता है, एक ये हो गया, ये तीनों तो आपके अघोष में आएंगे, लेकिन जो आपका दोस्तों हा होता है, जो आपका हा होता है, हा वैसे तो उसमें व्यंजन में चारों होते हैं, हा जो होता है वो घोष में आता है, घोष में आता है या सघोष में आता है याद रखिएगा, ये घोष में आता है, ठीक है ना, ये हा वाला, तो पहली बात तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल ही गया है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, हो गया। अंतस्थ व्यंजन आपके सघोष में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन 11 लावा जो होते हैं वो सघोष में आते हैं, और जो आपके स्वर होते हैं आई छोटा बड़ा छोटी बड़ी बड़ा ऋषि ए आई ओ आओ, ये भी आपके सघोष में ही आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा युग में जो है आपका भेद आपका सही नहीं दिया गया है, अब देखिए कौन सा सही नहीं दिया गया, प्रवाल प्रवार, प्रवाल मूंगा होता है, प्रवार वस्त्र होता है, ये तो आपका सब सही है, अनिल आग होता है, अनिल हवा होता है, ये भी सही, देखो नेति का आपका बंधन होता है और इस नेति का आपका होता है आनंद, कहने का मतलब ये थोड़ा इन्होंने उल्टा दे रखा है, नेति का यानी बंधन पहले लिखना चाहिए था और आनंद बाद में, तो यही आपका डिस्टर्बेंस है, यानी यही वाला आपका सही नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना डिप्यूटेशन, डिप्यूटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसके भी प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम में बनते हैं, है ना, ट्रांसलेशन के भी प्रश्न आते हैं, तो इनको भी देखिए आज हम इस सेशन पे लिए हैं। डिप्यूटेशन का बताइए यहाँ पर उपयुक्त हिंदी शब्द यहाँ पर क्या होगा और इसका मतलब क्या होता है बताइए। हाँ यहाँ पर दोस्तों देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन पॉइंट है ये, क्योंकि जब प्रश्न आता है तो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, है ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए प्रतिनियुक्ति होता है, दो बार लिख गया है ना, तो ऑप्शन नंबर यही आपका सही है ना, इसको सही कर लीजिए, ए और डी दोनों जगह लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दोनों आपके सही होंगे। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए यहाँ पर क्या होगा, 62 नंबर बताइए, मिश्र वाक्य बात हो रही है और मिश्र वाक्य बताइए यहाँ पर क्या होगा, चलिए 62 नंबर का देखिए कमेंट करना है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, जो छात्र अच्छे होते हुए गुरु की आज्ञा मानते हैं, जो छात्र अच्छे होते हुए गुरु की आज्ञा मानते हैं, यही आपका क्या है,
ये आपका मिश्र वाक्य में आएगा। 62 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो एक वचन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका मोटापा लिखा हुआ है ना, मोटापा जो होता है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से यहाँ पर बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला देखिए आपको शब्द बताना है, परिणति लिखा है, परिणति लिखा हुआ है, परिणति लिखा हुआ है, परिणति लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 64 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। वीडियो को देखिए लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए लाइक शेयर जरूर कर दिए करिए। दर्प का बताइए पर्यायवाची कौन सा है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, दर्प का जो पर्यायवाची होता है वो कौन सा है बताइए। दर्प है, दर्प का दोस्तों याद रखिएगा, दर्प का मतलब होता है अहंकार होता है, ठीक है ना। अहंकार यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किस सामासिक पद का अभिग्रह जो है त्रुटिपूर्ण है, देखिए यहाँ पर जो आपका सामास विग्रह जो किया गया है उसमें से आपका त्रुटिपूर्ण है वो वाला आपको विकल्प बताना है, जो इसमें गलत दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। 66 नंबर सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं ईमानदारी से कमेंट करिए 66 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, डेली क्लास आपकी चल रही है। चलिए 66 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं ए नंबर होगा, बहुत बढ़िया। 66 नंबर का देखिए ए नंबर आया है, और काफ़ी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी टिक कर रहे हैं, है ना, सी वाले भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। चलिए दो प्रकार के आंसर देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पर जिनका भी जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, ये वाला आपका बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है ना। त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत है, त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है इसमें त्रुटि है, बाकी सब आपके सही है। तो नरबलि का मतलब होता है नर के लिए बलि, नर के लिए बल नहीं होता, इसका मतलब होता है नर की बलि होता है। क्या होता है दोस्तों, नर की बलि होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नरबलि का जो समास विग्रह करेंगे तो नर की बलि होता है, संबंध तत्पुरुष समास होगा। संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसके प्रथम पद के साथ संबंध कारक के चिन्ह का की के लगे होते वो संबंध कारक तत्पुरुष होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलो यहाँ पर बताइए पर्वत रत्न विशेष, हाँ यहाँ पर बताइए पर्वत रत्न विशेष सूर्य सर्प वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ हैं, बताइए किस अनेकार्थी के अर्थ हैं आपको बताना। इतने सारे आपके लिखे गए हैं, अब आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। नहीं नहीं वो सही था, हाथ पांव वाला बिल्कुल आपका सही है, वो त्रुटिपूर्ण नहीं था, ठीक है ना। हाथ पांव का हाथ पांव ही होता है, हाथ पांव का हाथ पांव ही होता है, वो आपका सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न बताइए, नहीं नहीं वो सही था आपका, हाथ पांव वाला ही सही था आपका। चलिए यहाँ पर बताइए पर्वत रत्न विशेष सर्प दर्प वृक्ष किसके अनेकार्थी अर्थ है, 67 नंबर का देखिए यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर बता रहे हैं नग है, है ना, ये नग के हैं। ऑप्शन नंबर 67 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए बहुत लोग ए मारे हैं, है ना, यहाँ पर तो लग रहा किसी के जवाब ही सही नहीं आया है। 67 नंबर के यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, है ना, बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नग के होते हैं अनेकार्थी अर्थ है ये, अनेकार्थी मतलब इसके एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, अनेकार्थी होता है, यहाँ पर नग होगा। अगला प्रश्न बताइए, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा ये वाक्य कैसा है, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा ये वाक्य कैसा है आपको बताना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके नाम से ही पता चलता होगा, आज तो मैं फल खाऊंगा यानी ये इच्छावाचक सूचक है, कैसा है, इच्छावाचक सूचक वाक्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, आग और राग का जो कवि है किसे कहा जाता है, 69 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, गुरु जी मेरा स्वीकार करें, है ना, गुरु जी मेरा स्वीकार करें, क्या स्वीकार करें, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, गुरु जी मेरा स्वीकार करें इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही है, अभिवादन स्वीकार करें, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, किसको अभिवादन कहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, और अभिवादन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, शुभाशीष, है ना, शुभाशीष यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा 71 नंबर का बी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है, आदि की सूचना के प्रसंग में होता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है।
राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 72 नंबर का। और 72 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अधिसूचना, यहाँ पे आंसर क्या होगा, अधिसूचना होगा, है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। देखिए आग और राग, हाँ बिल्कुल कन्फर्म है ना, आपका दिनकर जी ही है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक बार आप और चेक कर लीजिएगा जहाँ से भी पढ़े हैं, है ना, बिल्कुल सही उसका जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म आपको बताना है, अविराम है और एक आपका अविराम लिखा हुआ है, ये भिन्नार्थक शब्द हैं आपके, आपको बताना है इन दोनों का मतलब क्या होता है, अभिराम और अविराम। है ना, यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, अब देखिए यहां पर काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, अभिराम और अविराम का आंसर बताया जा रहा है सुंदर और बिना रुके, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहां पे बी नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक, हवा जो है नाक से भी निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए 74 नंबर का बताइए, तो 74 नंबर के यहाँ पर क्या होगा, अनुनासिक स्वर होगा, क्या होगा, अनुनासिक स्वर होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ, चलिए बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, दुस्तर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, दुस्तर का, देखिए बहुत आसान प्रश्न है ये आपका, विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि में क्या आएगा, 2+ तर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, ब्राह्मण का बहुवचन शब्द इनमें से क्या होगा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है, ब्राह्मण शब्द का यहां पर बहुवचन क्या होगा, ब्राह्मण शब्द का यहां पर बहुवचन क्या होगा, बताइए 76 नंबर का जवाब क्या होगा, और यहां पर देखिए बताया जा रहा है ब्राह्मण का जो बहुवचन आपका होगा यहां पर आपका होगा ब्राह्मण लोग होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा सर्वनाम है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, 77 नंबर बताइए, और 77 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है आप लगा हुआ है, आप किस पे आएगा, था निजवाचक में आता है, तो निजवाचक यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ढाई घड़ी का आना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, ढाई घड़ी का आना इस मुहावरे का मतलब बताइए क्या होगा, ढाई घड़ी का आना, और यहां पर देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है 78 नंबर का, देखिए काफी लोगों के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, 78 नंबर में कह रहे हैं बी नंबर होगा, बहुत कम समय के लिए आना, नहीं नहीं ढाई घड़ी का आने का मतलब होता है अचानक मर जाना, इसका मतलब होता है अचानक मर जाना, जब कोई व्यक्ति अचानक मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, ढाई घड़ी का आना, है ना, ढाई घड़ी का आना का मतलब होता है अचानक मर जाना, इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए, इस महाकाव्य में 16 हैं, 16 क्या है आपको बताना है, तो 16 आपके जो होते हैं वो आपके सर्ग होते हैं, आंसर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की यहाँ पर रिक्त स्थान है, और 80 नंबर के यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है प्रगति, ना बिल्कुल सही जवाब है, प्रगति कुछ अवरुद्ध रही यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह होगा। जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जा रहा होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, 81 नंबर प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है परिपत्र, है ना, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला पत्र है परिपत्र, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र जो होता है किस कोटि के अंतर्गत आएगा, देखिए जब मित्र की बात हो रही है, मित्र को जब पत्र लिखेंगे तो कैसा, किस श्रेणी में आता है, याद रखिएगा 82 नंबर का यहाँ पर आपका वैयक्तिक श्रेणी में आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन आपके चार ही तो हैं आपके, या रा ला और वा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ला, यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा स्वर कंठ तालब्य है, कंठ तालब्य हमने बताया ए आता है आपका और ए आता है, ये कंठ तालब्य में आता है, कंठोष्ट की बात करते हैं कंठोष्ट में आपका ओ आता है और औ आता है, कंठोष्ट में ओ और औ आता है ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर कंठ तालब्य पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। पो प्लस अन की स्वर संधि का उदाहरण है, पो प्लस अन का मतलब होता है क्या होता है, पवन होता है, एक पव प्लस अन होता है जो पावन होता है,
और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो संधि आपकी होती है अयादि संधि होती है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर सही है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, प्रत्यंग जो है किस समास का उदाहरण है, तो देखिए जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, यानी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर आपका सही है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में रेखांकित अव्यय का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका संबंध बोधक होगा। संबंध बोधक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। अब देखिए कश्मीरी सेब सिंदूरी और लाल होता है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यानी ये विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है सिंदूरी यानी लाल, तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, यानी यहाँ पे प्रविशेषण होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अधर शब्द का अर्थ बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, 89 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, अधर शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए 89 नंबर का कमेंट करिए, कह रहे हैं सी नंबर होगा, काफी लोगों को सी नंबर आ गया है ना। अधर का देखिए यहाँ पर डी नंबर भी आ गया है, डी भी आया है, सी भी आया है, काफी लोग जवाब अलग अलग आ रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा अधर शब्द का जो अर्थ है ना वो आपका ऊपरी ओठ नहीं होता है, अंतरिक्ष होता है, पाताल होता है, नीचा होता है, ये सब होते हैं। आंसर जाएगा ऊपरी ओठ, विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 90 नंबर बताइए, लिखा हुआ वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो वर्षा का बहुवचन आपका वर्षा ही रहता है, सेम रहता है, नो चेंज। पंडित मिठाई खाता है इस वाक्य में बताइए कारक कौन सा है, पंडित मिठाई खाता है इस वाक्य में कारक आपको बताना है, 91 नंबर का जवाब क्या होगा। अब देखिए पंडित मिठाई खाता है, पंडित हो गया कर्ता है ना, मिठाई हो गया कर्म, यानी आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। बहुत लोग कर्म करण मार रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए है, सिंपल सा है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, पहला ही ऑप्शन सही है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर बताना है आपको क्या लिखेंगे। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, और वो शब्द आपका होता है इंद्रियातीत होता है, याद रखिएगा इंद्रियातीत है ना, इसको दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम इंद्रियातीत कहते हैं, इसके लिए एक शब्द आपका यूज होता है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है, उस जगह है ना, उस जगह यहाँ पर बताइए 93 का जवाब क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है अधिकरण होगा, बिल्कुल सही है। उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, जगह में एक सभा होने जा रही है, जगह पर है ना, अधिकरण में पर होता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी होगा। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, देखा गया हो है ना, देखा गया हो ये क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण होगा आपको बताना है, तो याद रखिएगा ये आपका होगा संभाव्य वर्तमान की, वर्तमान काल की श्रेणी में जाएगा ये, देखा गया हो, ठीक है ना, देखा गया हो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, प्रश्न हमने करा चुके हैं इसके पहले भी, हिंदी बताइए किस भाषा का शब्द है, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और जो आपका हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, दोनों को आपको ऑप्शन करके कमेंट में बताना है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर पहले ही विकल्पों को ध्यान से देखिए, 14 सितंबर 10 जनवरी, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब है ना, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी दिवस 14 सितंबर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बताइए, देखिए 12वां हिंदी जो विश्व सम्मेलन आपका हुआ है 15-17 फरवरी में फिजी में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए लिखा वही दूर से बहुत दूर से, यही वाला आपका क्या है सही नहीं है, बाकी सब आपके सही है। संचारी भाव के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर बताइए संचारी भाव के कितने भेद होते हैं, प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध का अनेकार्थक इनमें से कौन सा नहीं है, शुद्ध का देखिए अनेकार्थक पूछा गया है, पवित्र आपका होता है जिसमें मिलावट ना हो, ये भी होता है, ठीक होता है, लेकिन जो मंगल लिखा हुआ है ना ये आपका नहीं होगा, बाकी आपके ऊपर के विकल्प सब होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है, बताइए किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है, ये कहा गया है आपका आदिकाल को, ठीक है ना, आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी आप कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, 100 नंबर आपको बताना है, और यहाँ पर पूछा गया नंदना शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए,
नंदना शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा, 100 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है। नंदना शब्द का यहाँ पर बताइए पर्यायवाची क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कल वाले टेस्ट में कह रहे हैं 15-15 थे। चलिए 100 नंबर का देखिए कमेंट करिए, और 100 नंबर का हमें लग रहा काफ़ी लोग आंसर गलत इसमें आएगा। नहीं, बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, है ना। पुत्री, नंदना शब्द के पर्यायवाची क्या होगा, पुत्री होगा, है ना, पुत्री होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंदना शब्द के अन्य पर्यायवाची कन्या भी है, आत्मजा भी है, अंगजा भी है और तनिया भी है। वधु की अगर पर्यायवाची बात करते हैं, अर्धांगनी हो गया, लुगाई हो गया, अंक साइनी हो गया, गृह लक्ष्मी हो गया। स्त्री की बात करेंगे जनाना, वा मांगना, वनिता, महिला, औरत। नदी की बात करेंगे पयस्विनी, तटनी, लहरी और सरी। ये सब आपकी पर्यायवाची है, पर्यायवाची भी आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए पर्यायवाची को भी अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।